वहीं बकरीद पर कुर्बानी हो या फिर ना हो, इस सवाल पर धुआंधार सियासत की जा रही है। यूपी के बीजेपी विधायक भी इस बहस में कूद पड़े हैं और कुर्बानी का कुछ ऐसे अंदाज में विरोध किया कि अब उनके इस बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के विधायक है नंद किशोर गुज्जर, जो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चित्र को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। जिस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है, तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो, धोनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा है। कुर्बानी तो लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुज्जर, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। नंद किशोर जी, जो ये बयान आपने दिया, हमने ये एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाया है ताकि एग्जैक्ट शब्द पता हो आपने क्या बोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलेंगे, और आप कह रहे हैं कि बकरीद के त्योहार पर अपने बच्चे की बलि दे दें। प्रधानमंत्री के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? उनकी और आपकी सोच मिलती नहीं है क्या? मेरी सोच प्रधानमंत्री के, हम लोग अनुयायी हैं, उनकी बात को अक्सर से पालन करते हैं। मेरे पूरे बयान को आपने दिखाया भी है और लोगों की समझ में आया है। हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे बधाई दी है, फेसबुक पे लिखा है। मैंने ये कहा है सबसे प्यारी चीज़ अपना बच्चा होता है, उसकी कोई कुर्बानी या उसकी नहीं करता है। इसलिए क्योंकि लौनी के अंदर स्थिति दूसरी है, देश के जो अपनी स्थितियाँ हैं और लौनी की एकदम विपरीत है। लौनी दिल्ली के अंदर आधा घुसा हुआ है और दिल्ली लौनी के अंदर है। लौनी के दिल्ली के अंदर मरकज से पूरे देश के अंदर कोरोना के जितना भी बम बन के गए हैं और पूरे देश में जो कोरोना फैला है वो अरविंद केजरीवाल जी की गलती से पूरे देश में हुआ मरकज से। और लौनी के अंदर एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। ये लौनी की जनता हिंदू मुसलमान मिक्स आबादी है और लगभग 45% मुस्लिम। आप अरविंद केजरीवाल पे भी सवाल कर रहे हैं, आप सारी बातें एक साथ मिक्स कर रहे हैं। आप एक मुद्दे पर जवाब दीजिए, आप बकरीद के त्योहार को लेकर, उस रस्म को लेकर आप ये कह रहे हैं कि किसी को अगर कुर्बानी करनी है तो वो अपने बच्चे की कुर्बानी कर दे। आप ये कह रहे हैं किसी को कुर्बानी देनी है तो अपने सबसे प्रिय चीज अपने बच्चे की कुर्बानी दे दे। आपको लगता है आपका ये बयान सही? आप विधायक हैं, आपने शपथ ली है, आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया, आपको मुसलमानों ने भी वोट दिया है। अब हमारी बात को नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी बात को पूरा आपने सुना, सुनवाया भी है। अभी मोहम्मद जब साहब ने ऊपर से हुआ, मोहम्मद इब्राहिम जो उनके बेटे थे इस्माइल, हजरत इब्राहिम ने जब उनको कुर्बान करना चाहा कि अपनी सबसे प्रिय जो वस्तु उसको कुर्बान करो, तो उनका बेटा प्रिय था, तो तुरंत जो है ऊपर वाले का एक सेकेंड ये कहानी सुनाने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या कुर्बानी जैसी प्रथा हिंदू रीति रिवाज का भी हिस्सा नहीं है, हाँ या ना? नहीं, मैं तो बोला है, मेरा अपना, मैं कह रहा हूँ ना कि आपने पूरा सुना नहीं। आप तो एक विशेष समुदाय को लेकर घर में खड़ा कर रहे हैं ना, तो मैंने तो आपको ये पूछा कि हिंदू रीति रिवाज का हिस्सा है कुर्बानी या नहीं। मैंने हिंदू समाज के लिए बोला है, आपने मेरा ये बोला कि बकरों की कुर्बानी की जगह अपने बच्चों की कुर्बानी दीजिए, ये कहां तक सही है? क्या बोल रहे हैं आप? आपको किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपको बच्चा नैतिकता का एहसास हो रहा है? नहीं नहीं, आप बिना वजह की, देखिए ये मीडिया ये बहस का मुद्दा मत बनाइए, आप लोग बिना वजह की आर्गुमेंट कर रहे हैं। आर्गुमेंट की बात ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा कि हिंदू रीति रिवाज का बच्चे की कुर्बानी कोई नहीं देता है। नहीं, आप लोग इसको मोड़ करके बिना वजह की बात ना करें। मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, मैं लौनी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है कि यहाँ दो बार जहाज गिर चुका है, यहाँ हड्डियां इकट्ठी होंगी और उसके बाद यहाँ जो दिल्ली से सटा हुआ है उससे हम लोग कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और वो हड्डियां ट्रक के ट्रक डालेंगे यहाँ, तो जहाँ देश की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स यहाँ से पास में डाइवर्ट कर रहे हैं, आप कोरोना में जा रहे हैं। मैं लौनी की बात कर रहा हूँ, मैंने बच्चे के लिए नहीं कहा है, मैंने एक बच्चा सबसे प्यारा होता है उसकी कुर्बानी कोई नहीं करता है। आज ही हमने राजस्थान की तस्वीरें दिखाई है जहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, आप सुनना नहीं चाहते तो मेरे को बैठाया क्यों आपने? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, आप अपने आप ही बहस करनी है। अगर आपको आर्गुमेंट पूरी करना है तो मेरी बात को सुनना नहीं है, को इस तरीके से हमारे बात को सुनना नहीं है, कह सकते हैं सिर्फ उसी समुदाय ने ये संक्रमण फैलाया है। बातों को घुमाइए मत,
मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूं। आप बिना वजह के देश के अंदर जो ना यहाँ जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर रहता है मीडिया के द्वारा लड़ाई नहीं जा सकता। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम ना करें, हम भी यही कह रहे हैं। काम बच्चा सबसे प्रिय होता है, हमारी बात तो नहीं सुन रहे। बच्चों की कुर्बानी दीजिए, ये कहां तक सही है? तो हम कह रहे हैं, हमने ये कहा बच्चा प्रिय होता है, आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। जब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम क्या आपको बताएंगे? या तो पूरा बयान आपके पास हो, आपने बीच में से ले लिया उसको। हमने एक बच्चा सबसे प्यारा होता है, बच्चे की बलि नहीं दी जा सकती है। इसी तरह से अपना जो हम सांकेतिक कर लें, जिस तरह हिंदू धर्म की बात की वो आपने दिखाया नहीं। मैंने बोला कि बकरा जो है हमारे यहाँ भी बलि होता था, लेकिन उसकी जगह नारियल आया और बकरे का कान काट करके उसको छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह इस्लाम में भी जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है वो लोग जकात के नाम पे पैसा निकाल करके लोगों में गरीबों में बांटते हैं। तो आप लोग जो बात कर रहे हैं देश के अंदर वो क्लियर नहीं करना चाहते। मीडिया बिना वजह का बहुत विवाद बनाना चाहती है। मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, जो बात आप कह रहे हैं मेरे यहाँ वो एक पर्सनल चॉइस का विषय है, इस बात को समझिए। अगर मास्क का ढेर होगा, अगर वहाँ हड्डियों का ढेर होगा, तो आपने जो नारियल बलि का जिक्र किया, वो फैसला लेने की स्वतंत्रता लोकतंत्र देता है ना इस देश के हर नागरिक को। लेकिन अगर एक विधायक ये कह देगा कि आप बकरीद पर अपने बच्चे की बलि दे दीजिए, तो ये बयान कहां तक जायज है? इसी बात पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। और सुनिए विपक्ष आपको आपके ऊपर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। आप विपक्ष का बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। विपक्ष का बयान अपना चैनल में इसको चलाने के लिए मेरा आप बयान पढ़िए पूरा। नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, बिल्कुल एजेंडा नहीं हमारा ऐसा। आपने जो कहा है वही बातें हम यहाँ पर रख रहे हैं और उसी पर सवाल कर रहे हैं ना, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उसी पर आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज में भी ऐसा होता है या नहीं होता है कि पश्चिम बंगाल के अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बलि की प्रथा चलती है? कोई नहीं देता है। ठीक है, पहले विपक्ष क्या कह रहा है वो सुनिए अपने बयान पर। लोनी के विधायक जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसे भाषा को कतई अलाउ नहीं करते। ये हमारी राजनीति में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके मतलब उस व्यक्ति के अंदर ना मानवता है ना इंसानियत है। और जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहा है ये समझो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये भाषा हिंदुस्तानी नहीं है, कहीं और की भाषा बोल रहा है। देखिए, कुर्बानी के सिलसिले में जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों से अपील है कि किसी भी तरीके की किसी भी कन्फ्यूजन में ना पड़ें। कुर्बानी हमारा एक मजहबी शियार है और हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी अदा की जाएगी। लेकिन कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए जो हिदायत, जो गाइडलाइन सूबा उत्तर प्रदेश के DGP महोदय ने जारी की हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। किसी भी प्रतिबंधित जानवर को ज़बह ना करें, उसकी कुर्बानी ना करें, और जो उसका वेस्टेज है उसको नगर निगम की तरफ से जो मुतय्यन करदा मकामात हैं वहीं पर डालें। तो ये बयान हमने सुनाया किस तरह से अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुजर के बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नंदकिशोर जी आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट एक बार हम सुनवा रहे हैं दोबारा से। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आपके लफ्ज थे, जो भाव थे, वो इस बयान में साफ है। नहीं करेंगे क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चित्र को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीही जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे, प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो, लोनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा है। कुर्बानी नहीं करेंगे। नंदकिशोर जी, जाते जाते किसी तरह की शर्म, किसी तरह का आपको अफसोस अपने इस बयान पर? नहीं, अफसोस तो मुझे नहीं, आपको होना चाहिए और जो लोग बोल रहे हैं उनको होना चाहिए। मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस लगता है, अगर यहाँ हड्डी खट्टी होगी वो राष्ट्रद्रोह है और राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप मेरे कौन होते हैं तय करने वाले कि राष्ट्रद्रोह है, द्रोह है या नहीं? आप कौन होते हैं? हमने एक गाइडेंस के तहत आपको हिंदू मुसलमान दोनों ने वोट दिया है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती है। माफी मांगनी चाहिए आपको। वोट की नहीं है, हम वोट की राजनीति नहीं करते। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जुम्मेवार आप होंगे क्या? नहीं, माफी आपके चैनल को मांगनी चाहिए जो इस तरह की हमारी बात को काट के चला रहा है। गलत बात है आपकी, माफी नहीं, बिल्कुल आपकी गलत बात है। मेरे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बयान हमने सुनाया, दर्शकों ने सुना, आपने साफ तौर पर इस्लाम धर्म का जिक्र भी किया है। आप जुम्मेवार है क्या? अगर यहाँ जहाज गिरता है तो आप जुम्मेवार है क्या? इस्लाम धर्म ही बोला। अगर यहाँ जहाज गिरा, नहीं, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस का उल्लंघन हुआ तो आप जुम्मेवार है क्या? अगर यहाँ पे
कोरोना फैलता आप जिम्मेवारी लेंगे तो मैं माफी मांग लूंगा। नंद किशोर जी जिम्मेवारी लीजिए। नंद किशोर जी मासी इकट्ठा होगा, यूपी में मंत्री है मोहसिन रजा साहब, जिम्मेवारी लो। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्र में मंत्री हैं। जो भी कोई कह रहा है लोनी की स्थिति अलग है, लोनी के बारे में किसी को पता नहीं। जो आपने ये स्टेटमेंट दिया आप क्या यही सेम बात मोहसिन रजा जी के सामने, मुख्तार अब्बास नकवी जी के सामने, क्या आप ये बात उनको कह सकते हैं? अपने बच्चों की बलि दे दीजिए, कह सकते हैं आप उनको ये बात? बताइए मुझे एक लाइन में। नहीं, बलि बच्चों को देने की कहा ही नहीं हमने। आप इसको गलत कह रहे हैं, हमने ये कहा अपने बच्चों की बलि कोई नहीं देता है। आपके बयान को लिख कर भी दिखा रहे हैं, आपको दो बार आपका बयान सुनवाया गया है, उसमें आपने ये लाइन बोली है। जिसको ज्यादा कुर्बानी की जरूरत है वो अपने बच्चे की कुर्बानी देते हैं, आपने लाइन बोली है, ये लाइन आप बोल सकते हैं? उनको विवाद कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोनी के लोग नहीं, इसका मतलब इसका मतलब आप उनके सामने बात नहीं कह सकते ना। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, मैं आपसे जिन दो लोगों के नाम मैंने लिया, आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, एक यूपी में मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप उनके सामने ये सेम बात रिपीट कर सकते हैं? आप उन्हें ये बात कह सकते हैं? और अगर आप उन्हें नहीं कह सकते तो आप एक आम नागरिक को कैसे कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक पर आप अभी बैठे हैं, आप अभी आज तक पर बैठे हैं, आप इस मंच से यही बात अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और मोहसिन रजा साहब को बोलिए, एड्रेस करते हुए बोलिए उनका नाम लेकर ये बात। अगर आप बोल सकते हैं तो अभी बोलिए, इसी वक्त बोलिए। नहीं, और नहीं बोल सकते तो फिर आप माफी मांगिए अपने बयान के लिए। आप बात को घुमाइए मत। नहीं, नकवी साहब जो बयान आपने दिया, जो आपने लोनी की जनता के लिए बयान दिया, जो बयान और हमारी हम बिल्कुल प्रोग्रेसिव होकर आपसे बात कर रहे हैं, जो बयान आपने लोनी की जनता के लिए दिया वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब के लिए, मोहसिन रजा साहब के लिए दीजिए। अपने धर्म का पालन हर्षोल्लास से करें, लेकिन सफाई के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, कोरोना ना फैले और यहाँ जहाज भी ना गिरे हड्डियों के कारण, सफाई रखें। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप माफी नहीं मांगना चाहते किसी भी तरीके से, आप ये नहीं समझना चाहते कि जो कुछ आपने कहा है वो दरअसल गलत है, सही नहीं है। एक बार फिर से सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि इन्होंने क्या कुछ कहा था। अपने पवित्र चीज को अपने कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीही जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे, ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो, लोनी के लोगों से खासतौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा है।